हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है संतुलन यानी इक्विलिब्रियम। तो संतुलन क्या होता है कि हमारे खेलकूद में यानी खेलकूद की गतिविधि में संतुलन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि संतुलन के आधार पर ही खेलों की कोई भी गतिविधि या क्रिया कितने सही प्रकार से किया जाए या संतुलन पर ही निर्भर करता है। ठीक है, असंतुलन होता क्या है कि जब किसी वस्तु पर कोई बल इस तरह कार्य करे कि वस्तु न तो रेखीय गति करे और न ही घूर्णन गति करे, तो उस स्थिति को संतुलन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जब कोई वस्तु पर कोई बल ऐसे कार्य करे कि वह वस्तु न तो रेखीय गति यानी न किसी दिशा में गति, न रेखा में गति करे और न ही घूर्णन गति करे, यानी जो परिधि गति होता है, एक परिधि में गति होता है, उसको घूर्णन गति कहते हैं। तो वस्तु न तो रेखीय गति करे न तो घूर्णन गति करे, उसमें कोई गति न हो, एक फिक्स पॉइंट, एक फिक्स बिंदु पर रहे, तो उसे क्या कहते हैं? संतुलन कहते हैं। तो संतुलन जो है ये विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल, आधार, वस्तु का आधार, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, विजुअल काइनेस्थेटिक सेंस। ठीक ना, तो केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल बिंदु यानी सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी पॉइंट। दोस्तों, जितना वस्तु या व्यक्ति का जितना नीचे सीजी पॉइंट होगा यानी सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होगा, वस्तु जो है उतना ही संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दोस्तों, महिलाओं का सीजी पॉइंट जो है वो पुरुषों की सीजी पॉइंट से नीचे होता है। क्यों होता है? क्योंकि महिलाओं के नीचे का भाग, निचला हिस्सा पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा भारी होता है, इसलिए महिलाओं का सीजी पॉइंट यानी गुरुत्व केंद्र पॉइंट जो होता है वो नीचे होता है, और इसलिए पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं ज्यादा संतुलन वाली क्रियाएं करने में सक्षम होती हैं। एंड बच्चों का सीजी पॉइंट जो है बड़ों से ऊपर होता है, तो इन तीन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट है आधार का आकार, यानी वस्तु का जो बेस होगा यानी वस्तु का जो आधार होगा वो जितना बड़ा होगा और जितना चौड़ा होगा उसका संतुलन यानी उस वस्तु का संतुलन उतना ही अच्छा होगा। कोई वस्तु आप देख लीजिए, एक छोटा सा बोतल जिसका आधार कुछ भी नहीं है वो तुरंत गिर जाता है। अगर एक चौड़ा बॉटल लेंगे, उस वस्तु को रख देंगे, उसको वो सीधा खड़ा हो जाएगा, और जिसका आधार कुछ भी नहीं है, जितना कम आधार रहेगा उतना असंतुलन होगा, वो गिर जाएगा। जितना ज्यादा बड़ा आधार होगा, आधार जितना चौड़ा होगा, बड़ा और चौड़ा होगा उसका संतुलन उतना ही अच्छा होगा, यानी कि उसका सीजी पॉइंट जो है सिट हो जाता है एक जगह पे, आधार बड़ा और चौड़ा होने से। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। जो हमारा कान होता है, हमारे कान में एक द्रव पाया जाता है इंडोलिम्ब। इस इंडोलिम्ब के कारण ही इंडोलिम्ब जो है हमारे शरीर को संतुलन स्थापित करने में सहायता करता है। कैसे सहायता करता है कि अगर ये इंडोलिम्ब जो है अपनी जगह से थोड़ा सा हिल जाए तो चक्कर आने लगता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है कि ये असंतुलन की अवस्था को प्राप्त करने के लिए जो नर्तकी होती हैं, नृत्य करने वाली, वो अपने हाथों को कानों के पास ले जाती है। क्यों ले जाती है? क्योंकि इंडोलिम्ब द्रव जो है हिले नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार कानों में जो इंडोलिम्ब द्रव पाया जाता है संतुलन स्थापित करने में काम आता है। ये क्वेश्चन बहुत बार, हमेशा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कानों का में कौन सा ऐसा द्रव पाया जाता है जो हमारे शरीर को संतुलन स्थापित करने के लिए काम होता है, देता है, तो इंडोलिम्ब है। ठीक है, एंड नेक्स्ट है विजुअल तथा काइनेस्थेटिक सेंस। ठीक है, ये जो होता है ये अपने आप होता है, ये सेंस जो है अपने आप होता है। उदाहरण के लिए ये पेशियों और तंतुओं के में मौजूद रहता है, हमारे समस्त पेशियों और तंतुओं में ये सेंस मौजूद होता है, ये जो है अपने आप घटित होता है। उदाहरण के लिए जब हमारा पैर किसी कांच पर पड़ने वाला होता है तो
उससे पहले ही हमको अपने आप एक क्रिया हो जाती है कि उस चटकी से पहले ही अपने पैर को हम हटा लेते हैं, एक एनेस्थेटिक सेंस है। इस प्रकार ये संतुलन को प्रभावित करने वाले संतुलन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो ये चार कारक थे, यदि गुरुत्वाकर्षण बल, वस्तु का आधार, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट, विजुअल तथा काइनेस्थेटिक सेंस। ठीक है, अब हम बात करेंगे संतुलन के प्रकार। दोस्तों संतुलन जो है तीन प्रकार का होता है। कौन प्रकार के? तीन प्रकार, कौन कौन? स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल यानी स्थायी, अस्थायी, उदासीन। ठीक है, तो पहला बात करेंगे स्थायी संतुलन यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है कि यदि किसी वस्तु को उसकी संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके फिर उसको छोड़ दिया जाए तो वह वस्तु पुनः अपनी पहली वाली स्थिति में आ जाए, तो इस प्रकार के संतुलन को हम क्या कहते हैं? स्थायी संतुलन कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका सीजी पॉइंट भी क्या होता है? पुनः पूर्व की स्थिति में आ जाता है, तो इसे स्थायी संतुलन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि किसी वस्तु को उसकी संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो वो पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाती है और सीजी पॉइंट पूर्व स्थिति में आ जाता है, ऐसे संतुलन को स्थायी संतुलन कहते हैं। जैसे कि आप कभी कभी देखे होंगे जो स्प्रिंग होता है, अगर उसको खींचेंगे, उसकी स्थिति से परिवर्तन कर देंगे, विस्थापित कर देंगे, उसको खींचेंगे और खींचने के बाद छोड़ देंगे, छोड़ने के बाद क्या होता है, वो स्प्रिंग जो है पुनः अपनी स्थिति में आ जाता है। ठीक है, और उसका सीजी पॉइंट भी पूर्व अवस्था में आ जाता है, तो वो क्या है? स्थायी संतुलन है, जो विस्थापित करने या स्थिति में परिवर्तन करने के बाद पहले ही अवस्था अपने पूर्व स्थिति में आ जाए, स्थायी संतुलन है। इसमें खेलों में इसमें कौन कौन से उदाहरण आते हैं, जैसे कि वॉलीबॉल में ब्लॉकिंग करना, कुश्ती में दाव लगाना, कुश्ती की खिलाड़ी जो है और रक्षात्मक पंक्ति, फुटबॉल, हॉकी, हैंडबॉल आदि के खिलाड़ियों में स्थितियों के आधार पर होता है। जैसे कि खिलाड़ी जो है खेल की स्थितियों के आधार पर आगे और पीछे की तरफ हस्तांतरित होता है तो वह एक गुरुत्व केंद्र बिंदु को नीचे की तरफ लाता है जिससे स्थायी संतुलन उसका बना रहे। ठीक है, एंड घड़ी के पेंडुलम देखे होंगे, वो जो है उसका गुरुत्व केंद्र जो है नीचे होता है, मतलब कि कितना भी हम उसको झुलाएंगे, किसी भी तरह करेंगे, लेकिन आकर ही नीचे ही रुकता है। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल बार जानते होंगे, हॉरिजॉन्टल बार जो है, हॉरिजॉन्टल बार पर जिम्नास्ट जो है घूर्णन के पश्चात अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। ठीक है, ये थे हमारे स्थायी संतुलन के उदाहरण। नेक्स्ट है अस्थायी संतुलन यानी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो अस्थायी संतुलन में क्या होता है? स्थायी में तो आप जान गए कि पूर्व अवस्था में आ जाती है परिवर्तन करने के बाद, लेकिन अस्थायी में क्या होता है कि पूर्व अवस्था में नहीं आती है। यदि किसी वस्तु को अपने उसके संतुलन की स्थिति से थोड़ा हटा के विस्थापित करके छोड़ दिया जाता है तो वस्तु अपनी पूर्व की स्थिति में नहीं आती है, तो इस अवस्था को अस्थायी संतुलन कहते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है, इसको याद करने के लिए बस इतना ध्यान रखिए, स्थायी संतुलन में उसको विस्थापित करने से पूर्व स्थिति में आ जाती है, जबकि अस्थायी संतुलन में पूर्व स्थिति में नहीं आती है। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है कि वस्तु अपनी पूर्व अवस्था का त्याग करके कोई नई अवस्था धारण कर लेती है और उसका सीजी पॉइंट भी अपनी पूर्व की जगह का त्याग करके नई जगह में आ जाता है, यानी उस वस्तु भी अपने पूर्व की स्थिति से नई स्थिति में आ जाती है और सीजी पॉइंट भी नई स्थिति में आ जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? अस्थायी संतुलन कहते हैं। एंड तीसरा है उदासीन संतुलन यानी न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, यह जो होता है कि यदि किसी वस्तु को अपनी उसकी संतुलन की स्थिति से थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दिया जाए तो वस्तु पूर्व की अवस्था में ना आकर के नई स्थिति में आ जाती है और उसका सीजी पॉइंट भी नई स्थिति में आ जाती है, बट इसका सीजी पॉइंट में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो जैसे का तैसे रहता है। उदासीन का मतलब भी होता है कि कोई स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं। ठीक है, न्यूट्रल उसका मतलब ही होता है उदासीन यानी कोई परिवर्तन नहीं, जैसे का तैसा। तो वस्तु जो है पूर्व स्थिति में ना आकर के नई स्थिति में आ जाती है बट सीजी पॉइंट जो है वो परिवर्तित ना होकर के जैसे का तैसा रहता है, उदासीन रहता है।
इस प्रकार की संतुलन का उदाहरण जो है स्प्रिंट स्टार्ट दौड़ों में, जैसे कि 100, 200, 400 मीटर का दौड़, फुटबॉल की किक, इस सब में प्रयोग होता है, उदाहरण है। ठीक है, तो इस प्रकार स्थायी और अस्थायी और उदासीन संतुलन के बारे में, यानी कि स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल, समझ गए। स्थायी में क्या कहते हैं, वस्तु पूर्व की अवस्था में आ जाती है, सीजी पॉइंट भी पूर्व की अवस्था में आ जाता है स्थिति के परिवर्तन करने पर। और अस्थायी में वस्तु पूर्व की अवस्था में नहीं आती, कोई नई स्थिति में आ जाती है, बट सीजी पॉइंट भी क्या कहते हैं, अपनी पूर्व की अवस्था में ना त्याग करके नई स्थिति में आ जाती है। नेक्स्ट, उदासीन में जो होता है, न्यूट्रल में जो होता है, कि वो वस्तु अपनी पूर्व की अवस्था में नहीं आती है, नई स्थिति में आ जाती है, बट उसका सीजी पॉइंट जैसे का तैसा रहता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, उसका सीजी पॉइंट परिवर्तित न हो, इस प्रकार के संतुलन को क्या कहते हैं, कोई उसे क्या कहते हैं, उदासीन संतुलन कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था संतुलन के बारे में, यानी इक्विलिब्रियम के बारे में, उसके संतुलन किसे कहते हैं और इसके कारक क्या हैं, संतुलन पैदा करने के लिए संतुलन किसमें ज़्यादा अच्छा रहता है, इस सब के बारे में मैंने फुल डिटेल बताया। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आप जरूर हल कर लेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।